सही लगा सही लगा ये दाना ये कितने किलो वाला है सही लगा है ना बिल्कुल ना हाँ तो बारह सोचे अभी खपे थी जल्दी बुधाए जल्दी चो वेलो बारह दिन आपके चैनल में सारी मक्खियां हैं आप मेरे को बताओ तो सही मक्खी तो आएगी मच्छी है मैं मक्खी हाँ, खाने वाली चीज दे वेलो किलो दे जल्दी करना सही है नाम बता दे वो है ना सुरमई मछली वाले का नाम क्या है मछली वाले का नाम है यासर न्यासी वैसे ये जरूरी नहीं है ताकि लोग आएंगे देखेंगे यहाँ का कोई है नहीं बाहर के सब भले बाहर को इंडिया के है इंडिया से भी लोग आएंगे वीजा लगा के मोटी मोटी पीस ना करना फ्राई करेंगे आंटी वीडियो पता कौन नहीं बनाता जिसके दिल में चोर होता है सच में जिसके दिल में चोर होता है ना वो वीडियो ही बनवाता तो हो गया किलो पुणे में हुआ उसके बाद दूसरा आया वो भी उधार तीसरा वो भी चौथा वो भी पांचवी बस बस डेट करो बस बस दो 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 अल्लाह दाओ भावन अच्छा किलो ना बाकी किलो का ना आज का काट दे माल ले लो है माशाल्लाह सफेद सफेद अरे ये ले निंदा पीस है ये निंदा है मच्छी भात बना हुआ है मच्छी भात वाली ना मच्छी आ रही है एक ना पीस काट दे हाँ इतना निंदा पीस ना मिलना मैं अबे अरे हम मच्छी लाओ बाबा ये भात वाली मच्छी ना ये मगर उन्ना से ये मगर ना खाते क्या दी फिर जी क्या दी फिर क्या हिसाब दी 1500 चलो अच्छी बात है लेके जा रहे हो अच्छा तो हर बार यही रेट होता है
कभी 12 में भी दे देते हैं, कभी 1000 में भी। अच्छा, वो चीज पे होगी इन लोगों को वो रेट। हाँ, वो रेट भी तो मिलते हैं आप लोगों को उस तरह से। वो ये बोल रहे कम भी मिलती है, तो अच्छी बात है कि कम भी आप कर देते हैं। जैसे पीछे से कम की आती होगी तो निंदा निंदा पीस ही ना बना कर बोले साबत रहो जो को बताए ना चार ना कहीं बोल कर निंदा ना ना कर साबत रहो। जो बड़ा होगा उसी को करवाओगी ना, जो बड़ा पीस होगा। बच्ची से सालन बनेगा बंटी। आप कौन कौन सी ले जाते हैं? मैं खाली सुरमई लेती हूं। अच्छा, कोई और नहीं टेस्ट करी? वो काला पापलेट भी अच्छा है, हमने पिछली बार ही खाया नहीं, लेकिन मैं हमारे घर में सब यही खाते हैं और कोई मछली नहीं। इसका तो छिलका भी खाया जाता है ना? लेकिन खाते नहीं है। फायदे हैं तो भाई, फ्राई करने के लिए अच्छी मच्छी है ये। हाँ। ये भाजी 1800 रुपए किलो ये 1200 रुपए किलो। एक जैसे पीस बनवाए जाके अलग अलग करो। अच्छा, सही सही। चावल मच्छी बनानी होगी सही सही वाला नहीं। चावल के लिए वो ये तो जल्दी टूट जाती है ना? नहीं टूटती। कैसे? हाँ, हम डर डर के पकाते हैं, इसमें डरना नहीं चाहिए। तेरे से पापा आए कि ना? घर में सही सही दोनों कराई है सुबह ने अच्छी सही है। हां हां अच्छी तरह समझ गया। हां हम ना होता ना मुझे गाल बोल एक के नहीं चल ना तो के एक किलो सही। हां अच्छी तरह बे कोई कहने इतनी सस्ती ये डाल दो भाई। कितनी होती है सेल? पता नहीं जितनी आपके सामने टंगी हुई है जो भी है भाई। क्या हो गया आज, क्या खा के आए हो? आपके सामने टंगी मैं के अंदर काट के अंदर करूं क्या करूं? नहीं, बात यही आप बोले आप खुद देख लें बस। मैंने 500 रुपए की बता दी, अब इसमें कितनी कलेजी कितनी मेरे को पता है इसमें? हाँ, 1/2 किलो होगी नहीं 1.5 पाव। अच्छा, ये वाली इसमें जो काली ना ये डालना भाई, साफ वाली डाल। चलो कोई बात नहीं, कर रहे हो तो कर लो कर लो कर लो। काटनी है कह रहे? काटनी है, काटनी है। चंदे
और एक किलो 5-6 दिन निकाल देना और एक किलो बारीक कीमा और एक किलो मोटा कीमा। गोश्त कैसे देते हैं? दाम कितनी होगी? दाम कितनी होगी? दो किलो कितनी में आएगी? क्या हो रही है कि दाम बढ़ जाएगा? दो पैसे कम करने के लिए ले लेना है। वो बच्चा काम कर रहा है। लो हाँ, अब देखें इसमें जो गंदी है ना वो वाली डाल, उसमें से चेंज कर देना जो ज्यादा गंदी है। ये लो। एक बस।
काम करने दो मेरे। जी जी कर लो कर लो कर लो कर लो, एक मिनट टेंशन हो रही है। नहीं ये देखिए मिनट्स आते हैं ना, उसको छोड़ा भी टेंशन हो रही है भाई। कितनी है कितनी है? और किताब बना रहे थे भाई? नहीं ना, तीन चाहिए मुझे। नहीं आप कर रहे हैं सवाल, ये है कितनी टंगी हुई? तीन चाहिए, तीन मुझे क्या पता, आप निकाल दें, मगर पैसों का कर लें कुछ, पैसों का कर ले। आपने दे दी थी मुझे 200 की, तीन 200 की तीन दे दी थी आपने मुझे, दे दी थी। है गोश्त वालों का तो एक जैसा ही होता है, किसी का भी नहीं होता भाई। ये वाली डाल देना जी, जवान लोगी आप, बुढ़ापा भी आएगा। इंसान और चीजों में फर्क है, अगर आपको पता हो तो। सॉरी भाई, चांद भाई कैसे दे पूरा? 500 रुपए भाई, देखना काली ना हो। भाई काटनी नहीं है, ऐसे ही देनी है। हाँ देख लेना क्या, सामान खरीद लो या मूवी बना लो, अभी भी काम करना होता है। आप कर लो, आप आपके हाथ से कर रही हूँ। क्या हो गया अंकल, आपको एकदम आंखें सर पे रख लेते हो। तो कर लो आप, Thank you.
ये पूरा कितने मिनट में यानी कि उधेड़ देते हैं? अच्छा जी जी पाँच किलो Thank you.
दाल कितने की जाती है? ₹100। ये भी कंपनी वाले लेके जाते हैं, लेदर बनता है। हाँ जाता, पता नहीं कहाँ एक्सपोर्ट होता है। जी 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 किससे? जो डिनर साइड है ना जी जी, वो इसकी एफडीओ का। अच्छा तो वही अल्लाह ताला ने कितना मतलब कुछ रखा हुआ है। इसमें तो कम चर्बी निकली बकरे का कुछ नहीं खाते खाते तो आशा नहीं दिया। ये लिए है, अब वो महंगा इतना ज्यादा है। ये ओजड़ी कैसे? बोल रहे थे ना, आराम बोल रहे हैं, बोल के पैसे ले गया होगा।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक, आप कैसे? कोई बोलते है बनाओ, कोई बोलते नहीं बनाओ। हमारी वही बात है कि सही काम है, इंसान डरता नहीं ना अल्लाह के आगे ना इंसान के आगे। बेगम को पता ही है क्या काम। बकरा ईद में तो देख जाते हैं। वही तो भाई 200 नहीं लगाओगे? कर लो, आज कर लो बस। हाँ वो तो सही है, लेके गई हूँ अब तो अंदाजा है। अच्छा चलो, अच्छा भाई दे दीजिए। कितना करना है? सवा किलो। मशीन का हाथ का ये बगैर हड्डी वाला, इसी में से देना लाल वाला ये जो भी है। अच्छा ये वो है, आपको गुलाबी वाला। अच्छा दे दे, मगर आज पानी वाला क्यों है भाई? पानी वाला नहीं है, ताज़ा कटा हुआ है वो चीज़। आज माल देर से कटा है, वो बिल्कुल ताज़ा कटा हुआ है। फिर आपने ये लाल और गुलाबी अलग अलग कर देना, क्योंकि वो दो कलर हो जाएंगे ना, कुछ नहीं होता। ये दो बोटी होती है, इसकी टेंशन नहीं है, कुदरती गुलाबी होता है। नहीं सालन में वो टेंशन नहीं, चर्बी वाला चल जाएगा। नहीं अभी ये नहीं डालना, ही चिकना ही नहीं, नहीं अभी नहीं डालूंगा।
बाकी हिस्से नजर नहीं आ रहे इनके। ये वो है, ये नहीं भाई, ये वाला पीस हटा दे। वही बात है ना, आपके लिए कस्टमर्स की कमी है ना हमारे पास। ये है कि एक ताल्लुक अच्छा बन जाता है तो क्या है कि लेता रहता है, दूसरों को भी बता देता है बंदा कि यहाँ भाई अच्छी चीज़ है। कस्टमर से आप लोग हैं, हम लोग भी आप लोगों से ही है। बकरे वाले क्या करेंगे, पसली में से ना ऊपर से निकाल देंगे, हड्डी हड्डी रह जाती है। खाते हैं लोग पिपड़े, किलो के हिसाब से होता है।
कैसे किलो है? 200। क्या अफगानी लोग खाते भी है ना शायद, हैं? खाते भी ना कोई अफगानी लोग, है ना? ये किसका गोश्त है भाई, पीछे वाला? अच्छा नहीं, वो 1.5 पाव एक जगह और आधा किलो एक जगह। ज्यादा बारीक किया? नहीं नहीं सही है, ज्यादा बारीक नहीं होता, मोटा था करना था ज़्यादा। जी जी जी, आधा किलो निकाल के ना बाकी का जो है ना वो। ज़्यादा बारीक कर दूँ? जी नहीं, हाँ ये तो एक साथ ही। जी जी जी, डेढ़ पाओ ना, डेढ़ सवा किलो हो गया, 3 पाव हो गया, पता उसमें क्या करूँ? सही है, चलें बस सही है। जब तक मैं अपना काम कर लेती।
है इकबाल पकड़ी के जब खाना इकबाल सुतिया इकबाल ये जा रही पाए कैसे भाई छोटे हैं ना गर्मी में खा लेते हैं हमें हाँ हाँ खा लेते हैं नहीं वो कहते हैं गर्मी करते हैं पता नहीं है ना अच्छा अल्लाह जो कुछ दिया है वो खा लो कुछ भी नहीं होता हम लोग तो वैसे खा ही लेते हैं मैं तो बकरे की भी खा लेती हूँ अक्सर ऐसा हो कहते हैं ना आपने भी अपने बूढ़े बूढ़े से सुना होगा हम लोग कुत्ते भी बोले ही होंगे इनको कर दे दे सवा किलो है मेरा ना गर्मी बहुत होती है ना गर्म बहुत होती है ये चीज इस वजह लेकिन ये इनका बड़ा जानवर ही ना अच्छी है अच्छा 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 फिश भी नहीं खाते हाँ फिश भी नहीं खाते हम लोग उसी उन्हीं में से जला के ज्यादा बच जाता है खाना इसमें कुछ भी नहीं वेस्ट हाँ जला के भी कौन वो करेगा मेहनत नहीं मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ छुरी के साथ ना स्क्रैच कर ले ऐसे 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 इसकी स्किन को स्किन हाँ बिल्कुल वो हो जाएगी उसका मतलब बाल सारे हटाने होते हैं ना स्किन तो ऊपर चाहिए हमें एक बार करके देखिएगा ना आए तो फिर आप करवा लेना आपके पास ऑप्शन होगा एक है वो हम लोग जब बनाते हैं तो घर पे ही बनाते हैं जब हम बनाते हैं ना बकरे के तो घर पे ही बनाते हैं अच्छी बात है तो ट्राई करूँगी आप करेंगे बहुत इजी है बकरे के पाए लेके ट्राई करूँगी हाँ बहुत इजी है आप कहेंगे हाँ वाकई नेट नेट पर भी सिखाते हैं यूट्यूब पर भी सिखाते हैं बस वो आग पे रखते रहे ना जितना आग लगेगा ना हाथ बचाना होता है इसमें जो स्क्रैच करो ना छुरी आगे पीछे हो रही होती है वो जो हम लोग बैंगन का भरता है ना वो भी मैं बनाती हूँ चूल्हे पे जलाती हूँ ना बैंगन जी 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 इनको हम लोग जला के भरता बनाते हैं उसके लिए ज्यादा लेने पड़ते हैं ना बैंगन है ना आम रूटीन से छोटे से थोड़ा सा हो जाता है कैसे बनाते हैं आप आंटी मतलब इसको जला के इसकी स्किन निकाल देते हैं फिर तेल में मसाले अच्छा बस वो तड़का लगाना है इसमें तो जितना कम मसाला डालोगे इतना अच्छा बनेगा
पहले ठंडे से तुमने साफ नहीं किया आपका पाए कैसे बनाते हैं आंटी? पाए मसाला में मैं तो मसाला इसमें जलता भी हाँ वो पाए मसाला नहीं। हाँ बाहर के मसाले तो बहुत खराब होते हैं। उसके अंदर मसाले में कोई प्रिजर्व भी लोग डालते हैं ना कि लॉन्ग लाइफ के लिए। हालांकि अगर वो रेसिपी देखे ना तो उसमें यही घर के मसाले बने हुए होते हैं पीछे रैपर में। कल मैंने बिरयानी बनाई घर के मसाले चटपटी। आपने वो डाला होगा ना, उससे आता है जायका, बड़ी इलायची और तेज पात से। तेज पात, दालचीनी, दालचीनी, हाँ इनसे, हाँ इनसे जायका आ जाता है। मैं तो मसाला भी करती हूँ। सही है बोलो। फायदा है मतलब वो सुस्ती हो जाती है हमारी। सलाम अलैकुम भाई, भाई सलाम अलैकुम। कीमा कीमा चाहिए।